हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर ब्यूटी टिप्स। आज मैं अपने वीडियो में कुछ एस्थेटिक वे में आईलाइनर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, सो लेट्स गो। ये है हमारा पिंटरेस्ट इंस्पो। नॉर्मल आईलाइनर तो बनाने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन आज कुछ हटके ट्राई करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा फर्स्ट स्ट्रोक ही ख़राब हो चुका है और मैंने इसे और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया। नेवर माइंड, अभी नेक्स्ट मुझे एक सिंपल सा लाइन देना था, जैसे नॉर्मल आईलाइनर बनाते हैं वैसे। तो इधर मैंने ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं की, मैंने ट्राई किया और वो लाइक 80% अच्छा हो चुका था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इधर आईलाइनर बना लिया है। और थर्ड स्टेप था मेरा उसके ऊपर एक विंग बनाना। बहन, सिर्फ छोटा सा एक विंग बनाना था और मुझसे वो भी नहीं हुआ। बट गाइस, गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं है, गलती तो इस आईलाइनर की है। आप मानोगे नहीं ना, मैं अब भी आपको प्रूफ दिखाती हूँ। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस विंग को पोलियो हो चुका है और मैंने वैसे ही बना दिया है। इधर पे बस एक और छोटी सी स्ट्रोक मारनी थी और शिट, इधर मेरे हाथ से गलती हो गई। शिट, अरे हाँ, मैंने तो आपको मेरे आईलाइनर की स्टोरी नहीं बताई। ये जो बॉटल है आईलाइनर की, हम लोग पिछले 2 पीढ़ी से यूज़ कर रहे हैं। और सच बताओ तो मुझे आईलाइनर विरासत में मिला है। 2 पीढ़ी से ये बॉटल इतना साथ दे रही है कि साला ख़त्म ही नहीं होता। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। क्या आप लोग देख सकते हैं? वाओ, एस्थेटिक इंस्पिरेशन के नाम पर मैंने एक आँख तो ख़राब कर ही दी थी, दूसरी आँख पर भी मैंने वही कर दिया, आदत से मजबूर। कुछ नहीं यार, इंसान से ही गलती होती है, मैं इंसान ही हूँ। पिंटरेस्ट की क्या इंस्पिरेशन थी और मैंने क्या कर दिया। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड लुक। इसको कुछ सायरन आइज, कैट आइज लुक बोलते हैं, सायरन आइज। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो मेरी विरासत वाला आईलाइनर। तो फर्स्ट स्टेप तो इधर तक मैं ओके थी, इधर तक अच्छा। हमारा स्टेप ओके चल रहा था, ये भी सही था, इधर तक भी मैं सही थी। लेकिन इसके बाद जो कांड हुआ, रुके अभी पता चलेगा आगे, ठीक है, समझ गया। इसके बाद का जो कांड हुआ, ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं खुद को ऐसे दिल में बोल रही हूँ, लेकिन प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं, मेरे आँख में पूरा आईलाइनर चला गया था गाइस। मैं रो रही थी, मेरे आँखों से पानी, काला पानी सब कुछ निकल रहा था। अच्छा है घर पे कोई नहीं था, लेकिन नहीं तो मुझे घर से बाहर निकाल देती ये सब मेरी हरकतें देख के। मैं फिर से अपना मुँह धो के आई, और इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम आईलाइनर में, मुझ में नहीं है, तो मैं इस बार काजल लेके कुछ ऐसे थोड़ा सा उसे लगा के स्प्रेड कर रही थी। तो ये इससे थोड़ा बहुत काम चल रहा था, मुझे भी ऐसे लगा। ये वाला जो एस्थेटिक आईलाइनर पैटर्न था, ये बहुत ही अच्छा जाएगा, ऐसा मैं नहीं, मेरी अंतरात्मा बोल रही है। और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सब इस चीज़ से गुजरे हैं कि हम लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी गलत इंसान पे भरोसा कर बैठते हैं। जैसे कि आज मेरा आईलाइनर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, बिकॉज आई चोज काजल ओवर आईलाइनर। चलो इस बार कोई गलती तो नहीं हुई, आईलाइनर या फिर काजल मेरे आँखों में तो नहीं चला गया। और ये ले बहन, बन गए तेरे सायरन आइज। बहुत सारे बिल्ले भाव देंगे तुझे।